रूसी सेना ने खार्किव और डेनवास के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक की। इस हमले में 3 लोग मारे गए और 5 घायल हो गए। खार्किव में की गई एयर स्ट्राइक में रूस ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का इस्तेमाल किया। खार्किव के गवर्नर ने बताया कि हमारे पास जान माल के नुकसान की शुरुआती जानकारी है। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए आज दूसरे चरण की वोटिंग भी शाम 5 बजे खत्म हो गई। चुनाव के इस फेज में 14 जिलों की 93 सीटों के लिए सोमवार सुबह 8 बजे मतदान शुरू हुआ था। दोपहर 3 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार 50.51 वोट पड़े। औसत की बात करें तो सबसे ज़्यादा 57.23 मतदान सावरकंठा में और सबसे कम 44.67% अहमदाबाद में दर्ज किया गया। सिंगापुर के अस्पताल में सोमवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की किडनी ट्रांसप्लांट सफल रहा। 1 घंटे तक ये ऑपरेशन चला। लालू को उनकी बेटी रोहिणी ने किडनी डोनेट की है। लालू से पहले रोहिणी का ऑपरेशन किया गया। फिलहाल दोनों आईसीयू में। जबरन धर्मांतरण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था और उनसे इससे रोकने पर प्लान पूछा था। कोर्ट ने केंद्र से हलफनामा मांगा था। सरकार आज इसे दाखिल कर सकती है। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामले में गिरावट दर्ज की जा रही है। नए केस 200 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 208 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 319 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान 2 व्यक्तियों की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 65 करोड़ हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 66 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12.97 अरब से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। इंग्लैंड ने कतर में चल रहे फुटबॉल वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। टीम लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप के टॉप 8 में पहुंची है। इंग्लैंड का मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस से होगा। उसने ओवरऑल 10वीं बार टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। तमिलनाडु में 8 दिसंबर तक चक्रवाती तूफान की संभावना है। दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण ये आसार हैं। इसके चलते उत्तरी तमिलनाडु पुडुचेरी और इससे सटे दक्षिण आंध्र प्रदेश तट के पास बंगाल की दक्षिण पश्चिमी खाड़ी तक पहुंचने की भी संभावना है। आज सराफा बाजार में सोना चांदी की कीमत में शानदार तेजी देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक बाजार में सोना 316 रुपये महंगा होकर 93,972 रुपये पर पहुंच गया। चांदी 66,000 के करीब पहुंच गई। सराफा बाजार में ये 1,457 रुपये महंगी होकर 65,891 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुँच गई। भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 33 अंकों की गिरावट के साथ 62,864 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार में लगातार दूसरे दिन यह गिरावट आई। वहीं निफ्टी 5 अंक बढ़कर 18,701 के स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 में से 15 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। वहीं 15 शेयरों में ही तेजी रही।